तीनों एक से बढ़कर एक। पर तीनों की रगों में खून तो एक ही का है। कहने लगे बामिया बड़ा खतरनाक इलाका है। परेशान क्यों होते हो भाइयों? मेरी वाली है ना, वो छोड़ना। तो दोस्तों, वेलकम टू द जंगल यानी वेलकम थ्री के सेट से फिर एक बार कई फोटोज और वीडियोस लीक हो गए हैं, जिसे देख हर कोई फिल्म की राह देख रहा है। और इस बार जो फोटो सामने आ रही है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हां, वेलकम टू द जंगल के निर्माताओं ने हिंदी फिल्म के लिए संभवतः सभी कलाकारों को इकट्ठा किया है। फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जॉनी लिवर, परेश रावल, लारा दत्त, राजपाल यादव, अर्षद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दिशा पाटनी की कुशारदा और कृष्णा अभिषेक जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। सिंगर दलेर मेहंदी और मिका सिंह कलाकारों में शामिल है। फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है और 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने का लक्ष्य है। अब फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई है, जो बॉलीवुड मल्टी स्टारर के बड़े पैमाने पर होने का संकेत दे रही है। लीक हुई तस्वीरों में से एक में अक्षय कुमार हाथ में मशीन गन लिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए है। उनके साथ एक और एक्टर भी थे। एक अन्य तस्वीर में अक्षय कुमार को किसी बात पर हंसते हुए भी देखा जा सकता है, जहां श्रेयस तलपड़े, सुनील शेट्टी और दिशा पाटनी उनके बगल में खड़े थे। एक फोटो में रवीना टंडन और तुषार कपूर भी थे। सभी कलाकार मैचिंग सलवार पोशाक पहने हुए थे। करीब एक दशक बाद नई वेलकम बड़े पर्दे पर आ रही है। देखने में लगता है कि अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म पिछली फिल्मों वेलकम और वेलकम बैक से बिल्कुल ही अलग होगी। वेलकम 3 की शूटिंग पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी। 2007 में रिलीज हुई वेलकम में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल ने अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी किस्त का नाम वेलकम बैक था, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी और इसमें जॉन अब्राहम और श्रुति हसन थे। दोनों फिल्मों का निर्देशन अनीस बज्मी ने किया था। वैसे दोस्तों, अब पार्ट 3 के लिए कितने कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।